नवदीप हॉस्पिटल साकेत कॉलोनी सागंज द्वारा विगत कुछ वर्षों से हॉस्पिटल के आसपास और सामने डिवाइडर को हरा भरा स्वच्छ और पुष्पित पल्वित किया गया है। आगरा विकास मंच के तत्वाधान में इसका लोकार्पण तथा पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरा विकास मंच और नवदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील शर्मा जी और अनुपम जी का और जो इनके मंच से जुड़े हुए हैं सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगरा को जो बहुत ज़रूरी है, प्रदूषण के मामले में हमारा बहुत बुरा हाल है, उसको दूर करने के लिए गौरैया प्रयास किया गया है। आपके चैनलों के माध्यम से हमें आगरा की महान जनता से निवेदन करना चाहेंगे, जब हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं दफनाया जाना है और यहीं जलना है। देखिए, अगर अपने भविष्य को बचाना है तो वृक्ष लगाने पड़ेंगे। अगर वृक्ष नहीं रहेगी तो धरा नहीं रहेगी, धरा नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। वृक्ष लगाने से ही समस्या खत्म नहीं हो जाती, इन वृक्ष को आपको बच्चे की तरह पालना पड़ेगा और इसको आप तभी पालेंगे जब इनके साथ कुछ मधुर अपनी स्मृति को जोड़िए, अपने बच्चों को चेहरे को जोड़िए, अपने माता पिता के नाम पर वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, धरा बचाइए। धन्यवाद। सेल्पा सोसाइटी लेप्रोस्कोपिक और इंडोस्कोपिक सर्जन के अध्यक्ष और निदेशक डॉक्टर सुनील शर्मा और नवदीप अस्पताल के निदेशक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा शर्मा ने बताया कि नवदीप हॉस्पिटल साकेत कॉलोनी सागंज द्वारा विगत कुछ वर्षों से हॉस्पिटल के आसपास सामने डिवाइडर को हरा भरा और स्वच्छ पुष्पित और पल्वित किया गया है। आगरा विकास मंच के तत्वाधान में इसका लोकार्पण पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक चौधरी उदयवान सिंह, विधायक योगेंद्र उपाध्याय, आगरा विकास मंच के अशोक जैन सीए और नगर आयुक्त अरुण प्रकाश मौजूद थे। सिर्फ हमारा ये मकसद था मैसेज देने का, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ तापमान कुछ नीचे रहता है, और इस बार हमने देखा कि मौसम के बदलाव से कितने आंधी तूफान आए थे आगरा में। तो अगर हम इस तरह के मौसम के बदलावों से बचना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहते हैं, और पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो पानी के नीचे जो जल स्तर होता है उसको भी बांध के रखती हैं, तो ये जो सारी समस्याएं हैं पेड़ों को लगाने से दूर हो सकती हैं। इसलिए पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। नगर निगम आगरा को हरा भरा करने के लिए जुटा हुआ है, स्वयंसेवी संगठन भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। बिना स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता के सहयोग से नगर निगम अपनी मंशा को परवान नहीं चला सकता, इसीलिए स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता के जागरूक लोगों को आगे आना होगा, तभी आगरा हरा भरा रह सकता है। लक्ष्मी सिंह, सी न्यूज, आगरा।